हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि इस दिवाली हेल्दी क्या बनाएं, तो हम आज बना रहे हैं टेस्टी और हेल्दी, बच्चों को पसंद आने वाले गुड़ और आटे के गुड़ पारे। और इसी के साथ हम बनाएंगे क्रिस्पी बिस्किट, जिसे आप बच्चों को कभी भी दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। ये फटाफट से बनने वाले गुड़ पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी गुड़, उसमें डालेंगे एक कटोरी पानी और फिर गैस की फ्लेम चालू कर देंगे। 2-3 मिनट में ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। गैस की फ्लेम बंद करके हम इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम एक थाली लेंगे, उसमें डालेंगे 3 कटोरी आटा, 2 चुटकी इलायची पाउडर, 2 चुटकी नमक, इससे इसका स्वाद अच्छा इनहेंस हो जाएगा, 1.5 चम्मच तिल, 2 चम्मच सूजी, और फिर ये सारा सामान अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर डालेंगे 1/2 कटोरी घी। ये घी हमने मोइन के लिए यूज़ किया है। इसे अच्छे से मस मस कर पूरे आटे में लगा लेंगे। अगर आटा मुट्ठी में ऐसे हल्का सा बन नहीं रहा है, तो थोड़ा सा और घी डालें, इससे गुड़ पारे अच्छे खस्ता बनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा जो हमने गुड़ का पानी बनाया था उसे ऐड करेंगे और कड़क आटा गूंथ लेंगे। अगर इसके बाद भी पानी लगता है तो हम नॉर्मल वाला पानी यूज़ करेंगे। हमारा आटा गूंथ चुका है, अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। 1/2 घंटे के बाद आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसके रोटी से बड़ी एक लोई तोड़ेंगे और फिर तेल से ग्रीस करके हम बेलेंगे। इसे हल्का मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और अब चाकू से लंबा लंबा कट कर लेंगे। दूसरे साइड से भी हम कट कर लेंगे डायमंड या स्क्वायर शेप देते हुए, और इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं वो हटा देंगे ताकि हमारे गुड़ पारे एक जैसे बने। और अब गर्म तेल में इन गुड़ पारों को हम कढ़ाई में डाल देंगे। आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं कढ़ाई में बना बना कर, या तो इकट्ठे एक साथ बना कर और फिर बाद में तल भी सकते हैं। इन गुड़ पारों को हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है दोनों साइड से। इससे अच्छे खस्ता बनेंगे हमारे गुड़ पारे। और जब इनका कलर हल्का सा रेडिश हो जाए तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर आने के बाद थोड़े और लाल होंगे, इसलिए थोड़ा पहले ही निकाल लें। हम कढ़ाई से जब ये गुड़ पारे बाहर निकालते हैं तो ये सॉफ्ट ही रहेंगे। आप डरिएगा नहीं कि कुछ गलत हो गया है, ये 10-15 मिनट के बाद खुद ही अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे। इस तरह से हम सारे बैचेस गुड़ पारे के निकाल लेंगे। और अब हम इन्हीं के बिस्किट्स बनाते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है बिस्किट बनाने की। हम एक बड़ी लोई तोड़ लेंगे आटे से, उसको हल्का सा मोटा बेलेंगे और फिर एक छोटे ग्लास या कटोरी से गोल शेप में कट कर लेंगे। देखिए ये हल्की सी मोटी ही रहेंगी। अगर आपको ज़्यादा मोटी लगे तो उन्हें हल्का सा थोड़ा और बेल लें। अब हम इसमें फोक से छेद कर देंगे ताकि ये फूले ना, और फिर गर्म तेल में हम इन्हें एक एक करके डालेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से फ्राई करेंगे। ये अच्छी क्रिस्प बनेंगी और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेंगी। बच्चे बड़े सब इसे इजीली खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है वो मैदे वाले बिस्किट से। ये बहुत हेल्दी भी बनते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। और लीजिए, हमारे बिस्किट्स भी बनकर तैयार हैं। और इसी के साथ हमारे गुड़ पारे और हमारे क्रिस्पी बिस्किट्स तैयार हैं। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि मौन इसमें अच्छे से लगे। अगर मौन इसमें कम रह गया तो ये गुड़ पारे कड़क कड़क बनेंगे, इसलिए खस्ता बनाने के लिए मौन अच्छे से लगना चाहिए, या तो मीठा सोडा यूज़ करें। और अगर गुड़ भी अगर आपका ज़्यादा हो गया है तो ये कढ़ाई में जाने के बाद फैलने लगेंगे, इसलिए गुड़ की क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मीठे भी हो जाएं और ज़्यादा भी ना हो। आप भी इन्हें घर में ट्राई करिए और बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।